बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो ये कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, इससे पहले भी हमने दो तीन बार कॉन्फ्रेंस दी है और हमने बड़े बड़े ऑफिसरों से मिले हैं। हम इसके बारे में आरटीआई लगाई है, सब कुछ लगाई है और कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम एसीडी से हमारी मुलाकात हुई और 20-25 आदमी के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने हमें यकीन दानी दिलाई है कि हम इसका जो पूरा इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाएंगे। और जितने भी इलीगल काम जो भी हैं सब हमने उनको बताए हैं। उन्होंने एक कमीशन मुकर्रर किया है और वो कमीशन भेजेंगे और अब हमारी ये अपील है उनसे कि एक ईमानदार कमीशन भेजे, पार्टी भेजी जाए, कमीशन ईमानदार, और इसकी इंक्वायरी की जाए। और हमने इससे पहले भी एक दो बार न्यूज़ में भी सब हमने किया है मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। तो हमारी ये अपील है कि वो अच्छी ईमानदार कमीशन भेजें और भेजकर इसकी इंक्वायरी करवाएं। शुक्रिया। हम बच्चा वाले गांव का पंचायत का एक वफद आज एसीडी पुंछ से मुलाकात की। पंचायत के अंदर एमजी नरेगा और दीगर दही तरक्यात की जो स्कीमें हैं उनमें बेपनाह धांधलियों पर मबनी एक मसौदा भी एसीडी साहब को सौंपा है। एसीडी साहब ने यकीन दिलाया है कि फिलफौर एक कमीशन तैनात किया जाएगा, एक कमेटी तैनात की जाएगी जिसकी क़यादत गजेट ऑफिसर यानी कोई बीडीओ करेगा, जो उस ब्लॉक से बाहर का बीडीओ होगा, और इंक्वायरी के बाद इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और कसूरवार मुलाजमीन और कसूरवार सियासी जिम्मेदारान जो हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपके चैनल की वसातत से ये गुजारिश करते हैं कि इस कमीशन को जल्द अज़ जल्द मुकर्रर किया जाए और इसकी जल्द अज़ जल्द कार्रवाई शुरू की जाए ताकि जितना जल्द हो सके इस बच्चावाली के आवाम को इंसाफ मुहैया हो सके।